हेलो स्टूडेंट, दिस इज उमेश एंड आप देख रहे हैं क्लास 8th की साइंस, जिसमें हम लेसन नंबर 4 मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका यूनिट टेस्ट में आने वाला चैप्टर है, क्योंकि यूनिट टेस्ट में आपके 1 से लेकर 4 लेसन तक आ रहे हैं और जो आपका टेस्ट होगा वो आपका MCQ बेस्ड होगा। तो आप डीपली एक्सरसाइज जो है इसकी डीपली पढ़ें, एक्सरसाइज और जो वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सब आप डीपली पढ़ें, जिससे जो MCQs बनेंगे वो आपके लेसन के अंदर से बनेंगे, तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सको। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। जो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का नाम है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम फिज़िकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे और इसके यूजेस पढ़ेंगे। तो बेसिकली मेटल क्या होते हैं कि जो अभी तक फ़िलहाल 110 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो हम अभी तक पता लगा सकते लगाए गए हैं। ठीक है, जिसमें 80% क्या मेटल्स हैं और बाकी जो 20% है वो नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, और जो पूरे अर्थ पर एवरी सब्सटेंस ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पर एवरी सब्सटेंस या तो वो एक या उससे ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस हैव एलिमेंट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रेस्पेक्टिवली। जैसे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस को हम O और N से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और वो एलिमेंट जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे मेटलॉइड्स कहलाते हैं। इस चैप्टर में हम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे मेटल नॉन मेटल की। तो शुरू करते हैं, सबसे पहली बात आती है फिज़िकल स्टेट की। ठीक है, तो फिज़िकल स्टेट देख लेते हैं। मेटल, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम, सॉ जो फिज़िकल स्टेट है मेटल की क्या है कि जो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, और रिटेन कर लेता है बाद में क्या नॉर्मल कंडीशंस पर। ठीक, और ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिज़िकल स्टेट, यानी कि जो नॉन मेटल होता है वो तीनों फिज़िकल स्टेट में इसको क्या करता है, लाई करता है, एग्जिस्ट करता है ना, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में। अब लस्टर, लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग करना, जैसे डायग्राम में देख रहे होगे जो ये आइटम्स बने हुए हैं प्रोडक्ट वो शाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मेटल्स क्या होता है, मेटल लस्टर होते हैं यानी कि शाइनिंग करते हैं, शाइनी सरफेस होता है उनका, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू शाइन एंड रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट। ठीक है, मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स। ठीक है ना, नॉन मेटल क्या होता है, ऑलमोस्ट नॉन मेटल्स हैव डल सरफेस एज मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, ग्रेफाइट एंड आयोडीन डू शो सम लस्टर्स। हार्डनेस की बात कर लेते हैं, मेटल्स जो होते हैं मोस्टली मेटल्स हार्ड होते हैं, बट जैसे सोडियम और पोटेशियम होता है वो सॉफ्ट होता है और उसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं, नाइफ के थ्रू काट सकते हैं। नॉन मेटल की बात आती है, जो नॉन मेटल होता है जनरली सॉफ्ट ही होते हैं डायमंड को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि डायमंड जो है वो बहुत ही मतलब हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, मेलेबिलिटी पढ़ लेते हैं। मेटल आर मेलेबल, दिस मीन दैट मेटल कैन बी हैमर्ड इन वेरी थिन शीट। मेटल पोजेज दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शन बिकॉज देयर एटम्स आर अरेंज्ड इन लेयर। जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं, ठीक है, और इसको हैमर्ड किया जा सकता है पतले से शीट्स, यानी कि जो पतली शीट्स होती हैं ना, थिन शीट्स, लेयर पर लेयर शीट होती है, जैसे एलुमिनियम की शीट वगैरह हो गई। नॉन मेटल आर ग्रेटली कैन नॉट बीटन इन टू शीट। ठीक है, ये एक्टिविटी हो गई। अब बात आती है डक्टिलिटी की। मेटल्स, मोस्ट मेटल कैन ईजली बी ड्रॉन इन टू थिन वायर विच हैव ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, क्या मोस्टली मेटल को क्या, जो जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा है ना, जो मोस्टली जो मेटल होते हैं पतले मेटल, उनको वायरिंग बनाने में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, नॉन मेटल को वायरिंग बनाने में यूज़ नहीं किया जा सकता। अगला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी।
जो मेटल होते हैं, मेटल होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट जो होती है वो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी होती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। सो इनका जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में यूज़ किया जाता है और केबल्स बनाने में। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो बहुत ही पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर होते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वह एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसको छोड़कर बाकी सब हमारे बैड कंडक्टर होते हैं। और जो हमारा कुकर, फ्राई पैन और किचन के सामान में जितने भी हैंडल्स होते हैं ना पकड़ने के लिए, वो सारे नॉन मेटल्स के बने हुए होते हैं, क्योंकि ठीक है जिससे हाथ गर्म ना हो। ये एक्टिविटी है, पढ़ लेना इसको। सोनोरिटी पढ़ लेते हैं इसकी। मेटल, मोस्ट मेटल में एक रिंगिंग साउंड वैन दे आर स्ट्रक। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ यूज फॉर बैल्स, गोंग्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है सोनोरिटी की, ठीक है, इसलिए जो ज़्यादातर जो रिंगिंग बैल्स होती हैं, जितनी भी स्कूल बैल्स वगैरह जो होती हैं ना, जब वो आवाज़ गूंजती है, वो मेटल्स के बने होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होता है, डल साउंड होता है, यानी कि इनके अंदर कोई जो साउंड होता है बहुत डल होता है, इसलिए क्या नॉन मेटल्स का यूज़ नहीं किया जाता। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको मैं जो है बाय बोर्ड पे इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलो बोर्ड पे समझाते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम रिएक्शन किससे कराएंगे, रिएक्शन मेटल्स की कराएंगे, किससे, ऑक्सीजन से। और किससे कराएंगे हम, नॉन मेटल की क्रिया किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से। तो सबसे पहले हम मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल में जैसे Na हो गया, Mg हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले जब हम मेटल की ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे ना, रिएक्शंस कराएंगे, तो हमेशा क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, हमेशा मेटल ऑक्साइड बनेगा। सपोज जैसे कि हम अगर सोडियम की क्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से, तो हमारा बनेगा सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन गया हमारा, यहाँ हमने 4 क्यों लिखा है, क्योंकि बैलेंसी, क्योंकि Na का जो होता है 281 होता है 11 नंबर पर, ऑक्सीजन हमारा 8 नंबर होता है, तो उनकी जो बैलेंसिंग पूरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ 4 लगाना पड़ा, जिससे हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा सोडियम ऑक्साइड। समझ में आ गया ना सबको। इसी टाइप से अगर मैं इसमें मैग्नीशियम को जोड़ता हूँ, यानी कि अगर मैं मैग्नीशियम लेता हूँ, इसमें मैग्नीशियम होता है हमारा Mg, ठीक है, O2। अगर इसको हम हीटिंग करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होगा, क्योंकि अभी ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि मेटल जब ऑक्सीजन में क्रिया करेगा तो बैलेंसिंग करके करेगा ना, तो क्या करेगा, यहाँ 2 लगा देंगे, जिससे जब ये रिएक्शन करके बनाएगा तो बनाएगा 2MgO, ठीक है। ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ गया, मेटल के ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो हमेशा क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। ध्यान रखना, MCQ में पूछा जा सकता है तुम लोगों से, ठीक है। अब आती है नॉन मेटल की बात। किसकी बात आती है, नॉन मेटल की। नॉन मेटल में क्या आता है, नॉन मेटल में जैसे कार्बन आ गए तुम्हारे, कार्बन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब तुम्हारे किसमें आ गए, ये आ गए तुम्हारे नॉन मेटल में, ठीक है। तो जब हम कार्बन की क्या बनाएंगे, जब नॉन मेटल होगा प्लस ऑक्सीजन होगा, जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब नॉन मेटल के ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, हमेशा ध्यान रखना। इसमें जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल बुक में भी है तो देख लेना, मैं बस एक ही समझा देता हूँ। जैसे कि कार्बन की ऑक्सीजन से जब हम
क्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा हमारा? कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है? क्या बनेगा? कार्बन डाई ऑक्साइड बनेगा हमारा। कैसा बनेगा? कार्बन का हमारे पास सी होता है, ऑक्सीजन का ओ होता है, O2, तो क्या बन जाएगा? CO2। CO2 क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन डाई ऑक्साइड। ऐसे अगर हम सल्फर का कराएंगे, ये समझ गए, जैसे हम सल्फर का कराएंगे तो सल्फर में क्या होगा? सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो यहां हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा यहां? सल्फर डाई ऑक्साइड, यानी एस प्लस O2, क्या बन जाएगा? SO2। ये क्या है? ऑक्सीजन, किसकी रिएक्शन है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है? अब क्या है कि अब पांच पार्ट में है ना ये, तो पहला पार्ट तो हो गया हमारा ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल और नॉन मेटल। अब क्या हुआ? सही, रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड क्या है? जो मेटल एसिड के साथ क्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा? सल्फेट बनाएगा, ठीक है? जब मेटल एसिड के साथ क्रिया करेगा तो सल्फेट बनाएगा, मेटल सल्फेट, है ना, और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या करेगा? मेटल की हमने जब एसिड से कराई तो क्या बनेगा? सल्फेट बनेगा, मेटल सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, H2 गैस बनेगी मेटल के साथ, ठीक है? नॉन मेटल में क्या है? नॉन मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करते, ठीक है? जैसे एसिड हमारे क्या होता है, जैसे H2SO4 हमारा एसिड होता है, मेटल हमारा ZN हो गया, H2SO4, तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2। ये जो ZnSO4 है ये हमारा सल्फेट हो गया, ZN होता है जिंक, तो जाना जिंक सल्फेट, क्या हो गया हमारा? जिंक सल्फेट हो गया, और H2 हमारा क्या हो गया? गैस हो गई, H2 गैस, ठीक है? इसी टाइप से क्या है, Mg ले लेते हैं, Mg प्लस H2SO4, तो रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास MgSO4 प्लस H2। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना? सो इसी टाइप से क्या है, अब ये हमारी हो गई एसिड के साथ, अब बेस के साथ देख लेते हैं। बेसिकली जो हमारा मेटल हो या नॉन मेटल हो, ठीक है, मेटल मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा फोर्थ पार्ट चौथा पढ़ते हैं, रिएक्शन विद बेसिस। मेटल क्या है? कभी भी रिएक्शन नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते हैं बेसिस के साथ। मोस्टली मेटल जो है रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं बेस के साथ। और जो नॉन मेटल होते हैं वो जो रिएक्शन करते हैं बेस के साथ, जो है ना, बेस के साथ जो रिएक्शन करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा या हाईली जो है हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक, और जो इनको याद करने में, लर्न करने में बहुत ही टाइम लगता है, इसलिए हम इसको क्या है नहीं लिखते ज़्यादा था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि ए रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस, यानी कि जब कोई जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल है वो जो है अपने नीचे वाले रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर दे, वो डिस्प्लेस रिएक्शन कहलाती है, ठीक है? जैसे कि देखो ये सीरीज में आप देख रहे होगे, है ना, ये सीरीज, इस सीरीज में देखो ऊपर की तरफ है मोस्ट रिएक्टिव और नीचे की साइड है लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है? तो क्या करते हैं ये आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं रिएक्शंस की, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट रेट ऑफ एयर एंड विद एयर एंड वाटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिव मेटल्स आर अरेंज इन अ सीरीज, ठीक है? इनके रिएक्टिविटी की सीरीज में बेसिस बेस को मानकर इनको जो है ना अरेंज किया जाता है एक सीरीज में, ठीक। बाकी ये सीरीज में देखो आप देख लो, पोटेशियम सबसे ऊपर है और गोल्ड सबसे नीचे है। यूजेस पढ़ लेते हैं,
मेटल का जो यूज़ होता है वो मशीनरी में होता है, पाइप्स, कंटेनर्स, नेल्स, गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी बनाने में, कॉपर का यूज़ हमारा इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, जिंक का हमारा प्रोडक्टिव कोट, पैकेजिंग और कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ होता है। जबकि नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल हाइड्रोजन इज़ यूज फॉर सिंथेटिक अमोनिया और मेथाइल अल्कोहल। यानी कि नॉन मेटल का यूज़ क्या होता है, ज़्यादातर हाइड्रोजन का यूज़ किस में होता है, अमोनिया और मेथाइल अल्कोहल बनाने में होता है, टॉर्चेस इन वेल्डिंग टॉर्चेस और जो टॉर्चेस की वेल्डिंग करने में। सल्फर इज़ यूज फॉर मैनुफैक्चर ऑफ कंपाउंड लाइक, सल्फर का यूज़ सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, सल्फेट बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का यूज़ पेंसिल्स बनाने में होता है, जिंक कार्बन की बैटरीज बनाने में होता है, और जो फास्फोरस इज़ यूज इन द फायरवर्क इंडस्ट्री, और जो फास्फोरस का यूज़ होता है वो फायरवर्क इंडस्ट्रीज में होता है। ठीक है, तो आपका ये थ्योरिकल पार्ट तो ख़त्म हो गया है, सही है। तो हम इसका अब जो है एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, और मैं इसको एक ही वीडियो में पूरे इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर वगैरह सभी ख़त्म करा दूँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विक चेकअप देख लेते हैं। मोस्ट मेटल कम्बाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। सल्फर बर्न इन एयर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, गलत है, क्योंकि जब सल्फर एयर से क्रिया करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनाएगा। मोस्ट नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस ए मेटल हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट, नहीं मेटल के लिखा, मोस्ट नॉन मेटल रिएक्ट, मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। मोस्ट नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अ मेटल हाइड्रोक्साइड, यहाँ मेटल लिखा है, यहाँ नॉन मेटल लिखा तो बात सही हो जाती है, लेकिन यहाँ मेटल लिखा है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मोस्ट मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द बेसिस, यस बिल्कुल सही बात है। फास्फोरस यूज टू फायरवर्क इंडस्ट्रीज, जैसे कि मैंने ऊपर बढ़ाया ही है, लिखा भी है फास्फोरस यूज इन फायरवर्क इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका क्विक चेकअप, आप इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये है हमारा कि इसमें ये दिया गया है कि पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज इन अंडर कैरोसिन, कैरोसिन के अंदर क्या रखा जाता है, सोडियम रखा जाता है। ठीक है, तो ये टिक लगा लेना, सोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेटल, मेटल की करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो मेटल जो है वो बैड कंडक्टर नहीं होता, मेटल गुड कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तीसरा, द प्रोडक्ट्स फ्रॉम व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब सल्फी जेड एन यानी कि जेड एन और सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराता है ना, तो क्या बनता है हमारा, जिंक सल्फेट और वाटर, जेड एन एस ओ फोर, ये हो गया हमारा जिंक सल्फेट और प्लस एच टू अलग बचेगा, तो जिंक सल्फेट हाइड्रोजन, ये तीसरा वाला इसका आंसर सही है। विच ऑफ दिस मोस्ट डक्टाइल मेटल्स, द गोल्ड है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विद द नाइफ, सोडियम और पोटेशियम को काट सकते हैं हम चाकू के थ्रू। नॉन मेटल जो होते हैं उनसे वायर नहीं बनाए जा सकते। मोस्ट मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और नॉन मेटल जो है वाटर के साथ क्रिया नहीं करते हैं, और कॉपर का जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, सो अब पढ़ते हैं वेरी शॉर्ट। तो पहला है नेम थ्री मेटल एंड नॉन मेटल, दूसरा है व्हाट आर मेटल्स, तीसरा है व्हाई आर मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर एंड केबल्स, चौथा है हमारा, फोर्थ है व्हाट टाइप ऑफ मेटल रिएक्ट विद बेसिस। ठीक है, तो इसका हम पढ़ते हैं आंसर। सो ये है आंसर हमारे, पहला आंसर है हमारा, फर्स्ट आंसर, मेटल आर कॉपर लेड मेटल्स, जो हमारे तीन मेटल्स बताने हैं ना, तो कॉपर लेड और टिन, ये तीन हमारे मेटल्स हो गए। और नॉन मेटल्स हमारे हो गए सल्फर, सल्फर में स्पेलिंग गलत हो गई है थोड़ी, ठीक है, एस यू एल पी एच यू आर सल्फर। ठीक है, नाइट्रोजन और ब्रोमीन। दूसरा है सब्सटेंस हैविंग करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी लाइक मेलेबिलिटी डक्टिलिटी सोनोरिटी कंडक्टिविटी लस्टर आर कॉल्ड मेटल्स, मेटल्स के बारे में पूछा था कि व्हाट आर मेटल, मेटल क्या होता है, मेटल जो ये प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं। तीसरा था कि केबल्स बनाने में मेटल्स
क्या यूज़ किया था, तो मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। सो जो केबल्स बनाए जाते हैं वो मेटल्स के बनाए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, ये हमारा क्या हो गया, वेरी शॉर्ट खत्म हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक देम सुटेबल फॉर यूजिंग इन ज्वेलरी। दूसरा है, वाई आर मेटल यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक केबल। तीसरा है, वॉट इज रिएक्टिव सीरीज। चौथा है हमारा, फोर्थ, वाई डू कॉपर वेसल्स टर्न ग्रीन विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहला आंसर हमारा है, मोस्ट मेटल फॉर लस्टर प्रॉपर्टी, लस्टर का मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। सो जो गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम वगैरह यूज़ होता है वो ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है और अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने में। दूसरा आंसर हमारा, सेकंड आंसर, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो यानी कि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट इलेक्ट्रिसिटी का। सो इलेक्ट्रिक वायर और केबल बनाने में इसका यूज़ होता है। तीसरा था रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताना था, है ना। तो मेटल रिएक्ट विद अ डिफरेंट रेट विद एयर एंड वाटर ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी, मेटल आर अरेंज्ड इन अ सीरीज। द मोस्ट मोस्ट एक्टिव मेटल्स इज ऑन द टॉप ऑफ द सीरीज, वेयर एज द लेस एक्टिव मेटल इज एट द बॉटम सीरीज। यानी कि जो टॉप सीरीज, टॉप रिएक्टिव एक्टिव मेटल होते हैं वो हाई ऊपर ऊपर के सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं, और जो जिनकी रिएक्टिव जो सॉरी जो लीस्ट एक्टिव होते हैं वो सबसे नीचे होते हैं। अगला था, कॉपर वेसल्स ग्रीन क्यों हो जाता है ना टाइम के साथ साथ। तो कॉपर वेसल्स टर्न ग्रीन विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर जो होती है वो एटमोसफियर में प्रेजेंट होती है। अगला देख लेते हैं, ये है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कि इसमें हमें नॉन मेटल और मेटल की कुछ कंपैरिजन करना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। सो पढ़ते हैं, ये हमारे देखो पढ़ लेना इसको ना, मेटल की नॉन मेटल की हमारी डक्टिलिटी हो गई, मेटल की नॉन मेटल की। मोस्ट मेटल कैन ईजली बी ड्रॉन इन टू थिन वायर विच हैव वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। गोल्ड सिल्वर आर टू मोस्ट डक्टिलिटी मेटल नोन्स, ठीक है। नॉन मेटल का पढ़ लेना, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, तीन चीज़ें हो गई। अगले क्वेश्चन में हमें तीन रिएक्शंस पूछी हैं, वर्ड इक्वेशंस। पहला, जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। दूसरा था हमारा, मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया कराएंगे या रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तीसरा था, एल्युमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराने पर क्या होगा। तो सबसे पहले लॉन्ग आंसर का पहला था, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जिंक ZN से रिप्रेजेंट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से करते हैं। जब हम इसके रिएक्शन कराएंगे तो ZnSO4 बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस अलग बनेगी प्लस H2। दूसरा था, मैग्नीशियम की क्रिया, ये रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। Mg को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीशियम से और H2SO4 को करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। इसी टाइप से तीसरा था, एल्युमिनियम की रिएक्शन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, क्योंकि यहाँ 2 और 6 इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी बैलेंसिंग पूरी करनी थी। तो आप लोग इतना डीपली ना पढ़ें, बस इतना ध्यान रखें कि इसकी बैलेंसिंग पूरी करनी है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, एटम्स होते हैं सॉरी, तो इनके कुछ पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है, इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, बहुत लंबा चौड़ा मैटर है। सो आपके जो सिलेबस में केवल इतना है कि इनकी वर्ड इक्वेशन निकालनी है। अगर किसी को फिर भी समझना हो तो मुझे अलग से कमेंट कर दे, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बता दे, मैं उसको ईजिली बाद में आराम से समझा दूँगा कि यहाँ पर हमने 6 और 2 क्यों लिखा है, ठीक है। तो Al को हम एल्युमिनियम से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl से करते हैं, तो इसकी रिएक्शन ये बन गई है, ठीक है। लॉन्ग आंसर नंबर 3 देखते हैं। 3 वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पूछा है, और इसमें ये पूछा है हमारा क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ। यस देयर, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, और एक्सप्लेन करो कि आयरन जो होता है वो कॉपर को सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन कॉपर जो होता है कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम, जो कॉपर होता है वो आयरन को सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता।
तो यही इसका आंसर है, मैं बताता हूँ। रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेज अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर जाता है लिस्ट या लेस रिएक्टिव मेटल के साथ, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। और आयरन जो होता है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर आयरन के साथ डिस्प्लेस हो जाता है, जबकि कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है कॉपर से। ओके, क्लियर। अब हॉट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। मेटल पैंस इन अ किचन हैव आइदर वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स, व्हाई? और दूसरा है हमारा, मेटालिक बेल्स एग्जिस्ट बट नॉट द वुडन बेल्स, व्हाई इज इट शो? ठीक है, तो पहला ये पूछ रहा है कि भाई वुडन और प्लास्टिक के हैंडल्स क्यों बनाए जाते हैं। दूसरा पूछ रहा है कि मेटालिक बेल्स होती हैं वो बनाई जाती हैं, जबकि जो बेल्स होती हैं मेटालिक की बनी होती हैं, वुडन की नहीं होती, लकड़ी की नहीं होती, क्यों? यानी कि जो हमारे वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, इसलिए किचन में जो होते हैं वो लकड़ी के और हमारे प्लास्टिक के हैंडल्स बनाए जाते हैं। ठीक, अगला है मेटल जो है वो सोनोरस होता है, यानी कि शाइनिंग होती है, साउंड भी होती है उसमें, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से बेल्स जो होती हैं वो हमारी मेटल की बनी होती हैं, नॉन मेटल की नहीं बनी होती। तो ये फोर्थ चैप्टर आप लोगों का यहीं फिनिश हुआ है, सो आप लोग इसको अपना फेयर कॉपी में लिख लें और टेस्ट की तैयारी करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।